दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की मशहूर टेलीविजन एक्ट्रेस इकरा अजीज के बारे में। इकरा अजीज को तो आप जानते ही होंगे या आपने इन्हें सुनो चंदा सीरियल में देखा होगा। तो इस वीडियो में इकरा अजीज की लाइफ स्टाइल और बायोग्राफी के बारे में बात करने वाले हैं। आप खुद जानकर हैरान रह जाएंगे कि आखिर इतनी छोटी सी उम्र में इकरा अजीज ने कैसे ये मुकाम हासिल किया। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप इकरा अजीज के फैन है तो इस वीडियो कर दे लाइक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। इकरा अजीज का फुल नेम है इकरा अजीज हुसैन, निकनेम है इकरा। प्रोफेशन से एक एक्ट्रेस और मॉडल है। इकरा अजीज का जन्म 24 नवंबर 1997 को कराची सिंध पाकिस्तान में हुआ और 2020 के हिसाब से 23 साल की हैं। दोस्तों इकरा एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है और जब इकरा छोटी थी तब इनके पिता का निधन हो गया था। इकरा की मां ने इन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करके पाला है। इनकी मां पाकिस्तान में कार चलाती थी जिसके चलते इनका घर चल सके। इकरा की मां आसिया अजीज कराची की पहली औरत थी जो कार ड्राइव करके पैसे कमाती थी। इकरा जब बड़ी हुई और स्कूल की पढ़ाई कम्प्लीट करने के बाद इन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया जहाँ से ये बीकॉम कर रही थी, लेकिन बीच में इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और में फोकस करने लगी। लेकिन इनकी माँ का कहना था जब तक तुम पढ़ाई कंप्लीट नहीं करोगी वब तक एक्टिंग में कदम नहीं रख सकती। लेकिन इनकी बहन ने इन्हें काफी सपोर्ट किया और उसी दौरान इन्होंने 14 साल की उम्र में ही इंडस्ट्री में कदम रख लिया। अब बात करते हैं इकरा अजीज के करियर के बारे में। दोस्तों इकरा ने अपने करियर की शुरुआत सिट्रस टैलेंट एजेंसी के द्वारा टीवी एड से किया। इन्होंने करियर के शुरुआत में कई एड्स और ब्रांड के साथ काम किया। एड्स में काम करते वक्त हम टीवी के को प्रोड्यूसर मोमिना दुरेद की नज़र इकरा अजीज पे पड़ी और इकरा को एक रोल ऑफर कर दिया और फिर इकरा ने 2014 में हम टीवी के सीरियल किसे अपना कहे में काम किया और फिर 2015 में लीड रोल के तौर पर इकरा ने मुकद्दस सीरियल में काम किया और फिर इकरा ने मोल, सोच ना सके, दीवाना और किसे चाहूं जैसे सीरियल में काम किया। दोस्तों 2016 में इकरा ने पाकिस्तान के मशहूर एक्टर शहजाद शेख के साथ छोटी सी जिंदगी सीरियल में काम किया जिसमें इन दोनों का ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री लोगों ने काफ़ी पसंद किया जिसके चलते ये नॉमिनेट भी हुई बेस्ट ऑन स्क्रीन कपल के लिए और इकरा को धीरे धीरे पहचान मिल गई। दोस्तों इन्होंने कई सीरियल्स में काम किया है जैसे गुस्ताख इश्क, खामोशी और कुर्बान में, लेकिन इनके करियर में चार चांद जब लगे जब 2018 में सुनो चंदा सीरियल आया जिसमें इकरा ने फरहान सईद के साथ काम किया और इस सीरियल में फरहान सईद और इकरा अजीज यानी अरसल और जिया की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री हिट हो गई और लोगों ने काफ़ी पसंद किया और ये सीरियल इतना हिट हुआ कि इसके अगले साल 2019 में ही सुनो चंदा सीजन 2 आ गया। और इकरा अजीज ने 2020 में कसक और झूठी सीरियल में काम किया और अभी फ़िलहाल इकरा रकीब से और खुदा और मोहब्बत सीजन 3 सीरियल में काम कर रही हैं। दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना इकरा अजीज आपको कैसी लगती हैं। चलिए मिलवाते हैं आपको इकरा अजीज की फैमिली से। तो इनके फादर का नाम है अब्दुल अजीज जिनका काफ़ी समय पहले निधन हो गया था और इनकी मदर का नाम है आसिया अजीज जो कि एक कार ड्राइवर थी और इनकी एक बहन भी है जिनका नाम है सिद्रा अजीज और ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। बात करें इनके हस्बैंड के बारे में तो दोस्तों इन्होंने 2019 में यासिर हुसैन से शादी की जो कि एक फेमस पाकिस्तान एक्टर हैं और बहुत जल्द इकरा अजीज माँ बनने वाली है। अब बात करते हैं इकरा अजीज के हाउस के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इकरा अजीज कराची पाकिस्तान में रहती है अपने हस्बैंड यासिर हुसैन के साथ, जैसे कि इन पिक्चरों में आप इनका घर देख सकते हैं। बात करें इनके कार्स कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों इकरा के पास कार है होंडा सिविक 1.5 आरएस टर्बो जिसकी कीमत है लगभग 46 लाख रुपए। बात करें इकरा के सैलरी के बारे में तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इकरा अजीज एक एपिसोड करने के लिए लेती है लगभग 80,000 रुपए। वहीं बात करें इनके नेटवर्थ के बारे में तो दोस्तों इकरा अजीज का नेटवर्थ है लगभग 15 करोड़ रुपए। तो ये थी इकरा अजीज की लाइफ स्टाइल वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना इकरा अजीज का कौन सा सीरियल आपका फेवरेट सीरियल है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो कर देना लाइक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना।